अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दिल्ली के जरौंदा कला दिल्ली पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल रहे। उपराज्यपाल ने जवानों की परेड की सलामी ली तथा परीक्षण पत्र बांटे। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के साथ साथ दिल्ली पुलिस के अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। 9 महीने की ट्रेनिंग के पश्चात करीबन 3,000 नए जवान दिल्ली पुलिस में शामिल हुए हैं। इन जवानों को कानून की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर, साइबर क्राइम, यातायात नियम, अपराध और मानव अधिकारों के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। इन पुलिस कर्मियों को परीक्षण देने के लिए दिल्ली से बाहर के भी विशेषज्ञों को भी बुलाया गया था। सर, ये जो पासिंग आउट हुई है, किस तरह की, कितने पीएसआई हैं, कितने कांस्टेबल और किस तरह की एडवांस ट्रेनिंग से इन लोगों को गुजारा गया है? आज जो है हमारा पीटीसी से 3016 पुलिस ऑफिसर्स पास आउट हुए हैं, उसमें से 175 पुलिस सब इंस्पेक्टर्स है और बाकी जो है कांस्टेबल्स है। और इसमें मेल्स जो है 1966 है और फीमेल्स 1050 है जी। ये कांस्टेबल से लेके सब इंस्पेक्टर्स के लेवल तक के हैं। और इस बार जो है हमने काफ़ी अच्छी चीज़ किया है, एक तो योगा से जो है इनकी स्ट्रेस रिमूवल वगैरह के बारे में काफ़ी ट्रेनिंग किया था, बाकी इनको एडवांस वेपन से ट्रेनिंग किया हुआ है और इन लोग जो है टाइमली पास आउट कर रहे हैं। और वो दिल्ली पुलिस का जो है अभी इलेक्शंस के पहले ये सब जो अपने अपनी ड्यूटी प्लेस में जाके दिल्ली पुलिस के लिए काम करेंगे। साइबर क्राइम को लेके भी बड़ा एक आजकल सबसे बड़ा इशू है, तो वो कैसी एडवांस ट्रेनिंग रही और कैसे ये काम कर पाएंगे फील्ड में जाके? As you have rightly said, हमने जो साइबर पे बहुत फोकस दिया है इस बैच के साथ। हमने जो नॉर्मली 50 क्लासेस सीसीटीएनएस के लिए करवाते हैं, इस बार सीसीटीएनएस, इसके अलावा हमने नया एक फोरेंसिक लैब सेटअप किया हुआ द्वारका में, उसमें भी ट्रेनिंग कराया हुआ है। सो दे आर ऑल साइबर ट्रेन नाउ, बेसिक्स कर चुके हैं और इसमें से कुछ लोगों को जो है हम एडवांस ट्रेनिंग भी करा के जो है दे विल बी बेटर एक्सपर्ट्स इन साइबर फोरेंसिक्स। वही नए भर्ती हुए इन 3,000 जवानों को विशेष परीक्षण दिया गया है। इनको आतंकियों से निपटने के लिए इन्हें विस्फोटक उपकरणों, हथियारों एवं बिना हथियार लड़ाई का भी विशेष तौर पर परीक्षण दिया गया। इन जवानों में ज्यादातर सिपाही एवं सब इंस्पेक्टर रैंक के हैं। इन जवानों के आने के बाद अब दिल्ली पुलिस की कुल कर्मियों की संख्या 81,220 हो गई है। हालांकि अभी 11,000 और कर्मियों की आवश्यकता है। एडिशनल कमिश्नर आर.ए. संजीव की इस भर्ती प्रक्रिया में अहम भूमिका रही है। इन सभी को हर चुनौतियों का भली भांति सामना करने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। इस अवसर पर दक्षिणी दिल्ली के उप महापौर सतपाल मलिक भी उपस्थित रहे। नीलम जी, किस तरह की ट्रेनिंग रही, खास लड़कियों के लिए भी कमांडो ट्रेनिंग होती है और क्या क्या अनुभव किया इस दौरान? उन्होंने सिखाया कि कैसे कैसे मुश्किल आती है, उनका कैसे कैसे सामना किया जाता है और कैसे कैसे अपनी मंजिल तक पहुँचाना। हर न्यूज़ के लिए दिल्ली से सुनील बालियान की रिपोर्ट।